Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. So question is, suppose हमारे पास दो सेट ऑफ बैलून हैं, ये भी मेरा चार्ज बैलून है और ये भी चार्ज बैलून है, एंड सपोज ये हमारा चार्ज बैलून है और ये मेरा अनचार्ज बैलून है. तो यहाँ पे मैं सी से कर देता हूँ चार्ज बैलून, यू फॉर अनचार्ज बैलून, यू सी फॉर एंड सी फॉर चार्ज बैलून. अगर हमारे पास दो चार्ज बैलून है वो आपस में रिपेल करेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं एक दूसरे को धक्का मार के एक दूसरे से दूर दूर हो गए, और अगर हमारे पास एक चार्ज बैलून है और एक अनचार्ज बैलून है तो आपस में अट्रैक्ट हो गए, आकर आपस में चिपक गए. ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या है? बिकॉज इन द केस ऑफ चार्ज बैलून दोनों ही बैलून्स पे सेम चार्जेस हैं, यहाँ पे हैं दोनों के पास लाइक चार्जेस, या फिर मैं बोल सकता हूँ सेम चार्जेस, जिसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन होगी और वो आपस में दूर दूर रहेंगे. और जब एक बैलून हमारा चार्ज है और एक बैलून अनचार्ज है, तब क्या होगा? हमारे अनचार्ज बैलून में चार्जेस का इंडक्शन होगा, अपोजिट चार्जेस का, अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज. एंड वी नो अपोजिट चार्जेस आपस में, एक ऑब्जेक्ट्स कैरिंग अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, हेंस दे विल कम क्लोजर. यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की काफी बेसिक प्रॉपर्टी है कि सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं. जैसा कि दो चार्ज बैलून के केस में हमने देखा, दोनों पे सेम चार्ज है और फिर दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं. और अगर हम बात करें एक चार्ज बैलून और एक अनचार्ज बैलून, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अनचार्ज बैलून पे हमारा अपोजिट इंड्यूस चार्ज हो रहा है.